जिंदगी का सफ़र यूं ही चलता रह जाए, चलता हुआ ये पल बस थम जाए। सफ़र तो बहुत किया और नज़ारे भी कई देखे, पर नज़ारा कुछ ऐसा हो जो दिल को छू जाए। ऐसा ही ये जगह है गलताजी मंदिर। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विवेक और स्वागत है आप सभी लोग का हमारे ब्लॉग चैनल घुमाकर में। सो गाइस, अभी मैं हूं एमागढ़ लेपर्ड सफारी के पास। और वैसे तो मैं ये दो वीडियो को एक साथ बनाने वाला था, गलताजी मंदिर और एमागढ़ लेपर्ड सफारी का, लेकिन ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए मैं सेपरेट वीडियो इस चैनल पर लाने वाला हूँ। हम लोग यहाँ पर ऑटो से आए हैं और ऑटो से आने के बाद ही हम लोग अभी अंदर जा रहे हैं। यहाँ से लगभग 500 मीटर के आसपास में ही है गलताजी मंदिर। तो वहाँ तक जाने के लिए आप सबसे अच्छा है कि आप एक ऑटो बुक कर लो, क्योंकि वहाँ से आने के टाइम में मैं भी आपको ऑटो नहीं मिले जल्दी। रैपिडो तो हो सकता है, आप जाने के क्रम में रैपिडो बुक कर सकते हो, लेकिन आने के टाइम में हो सकता है शाम हो जाए और शाम में आपको वहाँ से रैपिडो ना मिले। तो आप एक पर्सनल ऑटो बुक कर लेते हो तो लगभग आपका 800 से 1000 रुपया लगता है ये पूरे दिन का सफर में। वैसे हमारा जो टाइमिंग है वो लगभग 2 बजे का है, तो 2 बजे से ही हम घूमना स्टार्ट किए हैं, 2 से 6 बजे का टाइमिंग रखे हैं, तो इतने टाइम में हमारा लगभग 1000 रुपया सिर्फ घूमने का लग रहा है। तो फिलहाल ये कुछ था हमारा रूट मैप और टोटल हमारा किराया कितना लगने वाला है ये भी आपको इस वीडियो में हमने बता दिया है। तो गलताजी जाने के क्रम में आप ट्रांसपोर्ट नगर से होते हुए आते हैं और ट्रांसपोर्ट नगर से ही आपको 2 रूट मिलता है। पहला तो दिल्ली जाने वाला रूट मिलेगा, तो दूसरा आपको आगरा रोड मिलेगा। तो ये जो सामने आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये आपका आगरा रोड है। तो अगर इस रूट से हम लोग जाते हैं आगे तो हम लोग आगरा भी जा सकते हैं। तो गाइस, अगर आप बाई ऑटो आ रहे हैं, अगर ऑटो अपना पर्सनल बुक कर लेते हैं या फिर रैपिडो से आते हो, तो जो भी ड्राइवर हैं वो तो आपको ले ही जाते हैं, लेकिन अगर आप अपने पर्सनल कार से आते हैं तो यहाँ पे आपको एक खास ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप ट्रांसपोर्ट नगर से होते हुए आ रहे हैं तो ट्रांसपोर्ट नगर से आपको दिल्ली वाला रूट नहीं पकड़ना है, आपको आगरा वाला रूट पकड़ना है, जिस रूट से आप सीधे आगरा भी चले जाते हो। तो इसी रूट से आप गलताजी मंदिर और एमागढ़ लेपर्ड सफारी भी आप जा सकते हो। तो ये है मेन एंट्रेंस गलताजी मंदिर जाने का, और यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ भी है, आप एक बार देख लो कि स्मार्टफोन या कैमरा अंदर ले जाना वर्जित है, अंदर ले जाने के लिए निर्धारित शुल्क देकर ही प्रवेश करें, अन्यथा 1000 रुपया जुर्माना देय होगा। देखते हैं कितना है टिकट। मंदिर के मुख्य द्वार से अंदर जाते हुए हम ये देखते हैं कि यह बंदरों की संख्या अधिक है और आकर्षण का केंद्र भी बना रहता है। जब हम मंदिर की ओर बढ़ते हैं तो रास्ते में दोनों तरफ महलनुमा और कई भी मंदिर दिखते हैं, जिसमें भगवान राम, भगवान कृष्ण और भगवान हनुमान जी का मंदिर है। सिटी से बिल्कुल अलग और आउटर एरिया में ये गलताजी मंदिर है, और वाकई में काफ़ी खूबसूरत है। जितना इनके बारे में सुना था उससे कई ज़्यादा खूबसूरत ये मंदिर है। तो मंदिर आपको ऊपर दिखेगा बिल्कुल, जैसे ही मेरे पीछे आप देख सकते हैं, आपको यहाँ से सीढ़ियों के रास्ते ऊपर ट्रैक करते हुए जाना पड़ता है। अभी हम लोग सबसे ऊपर हैं और मंदिर के बिल्कुल पास में ही हैं, यहाँ से मंदिर बिल्कुल आपको पीछे दिख रहा होगा। और भाई काफ़ी आपको ट्रैक करके ऊपर सीढ़ियों से चढ़ना पड़ता है ऊपर, और बंदर आपको यहाँ पे बहुत सारे मिलते हैं, लेकिन बंदर कुछ करते नहीं हैं, बस खाने पीने के सामान जो है वो लेकर से भागते हैं, अदरवाइज़ आपको किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। तो गाइस, ये है गलताजी टेम्पल और काफ़ी खूबसूरत सा है, और यहाँ आने के बाद आपको अलग तरह का फील होता है जिसे मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता हूँ, यहाँ पे आने के बाद ही आपको पता चलेगा। गंभीरम महाविष्णु
विष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्मृत्युं नमाम्यहम्। तो भाई मेरा मानना है कि आप लोग अगर जयपुर में हो तो एक बार ये गलता जी मंदिर जरूर आओ, बहुत ही पीसफुल जगह है और यहाँ आने के बाद आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, ऐसा फील हो रहा है डिस्क्राइब नहीं कर सकता हूँ मैं से। और बाहर जो बोर्ड लगा हुआ था कि अंदर मोबाइल या कैमरा यूज़ करने पर जुर्माना लगेगा या मोबाइल या कैमरा का टिकट लगेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप किसी भी तरह का पे दिए बिना मोबाइल और कैमरा यूज कर सकते हैं। तो भाई गलता जी मंदिर से होते हुए हम लोग आप पहुँचे हैं अमागढ़ लेपर्ड सफारी। तो अमागढ़ लेपर्ड सफारी का भी वीडियो आपको मिलेगा हमारे चैनल पे, अगर आप वो ब्लॉग देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन का लिंक आ रहा होगा, आप वहां से आकर अमागढ़ लेपर्ड सफारी का ब्लॉग देख सकते हैं। तो फिलहाल ये था गलता जी टेम्पल जो कि जयपुर सिटी से बहुत ही आउटर एरिया में पड़ता है और काफ़ी खूबसूरत सा मंदिर है, तो अगर आप आना चाहें तो बिल्कुल आ सकते हैं, सारी की सारी जानकारी इस वीडियो में दे गई है। तो चलिए इस ब्लॉग को हम लोग यहीं पे अब इन करते हैं और मिलते हैं आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग यहीं हंसते रहिए, खुश रहिए।